के बच्चे एक पपेट शो करने जा रहे हैं जिसका नाम है अंधेरी नगरी अनभुज राजा। बच्चा नारा अंदाज, यह नगर तो बहुत सुंदर है, देख कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे। गुरु जी महाराज, नगर तो बहुत सुंदर है पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। बच्चा को बर्तन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास तू पूर्व की ओर जाएगा। कुजलीन से क्या बाजी क्या भाव है? बाबा जी टके से। सब बाजी टके से, वाह वाह बड़ा आनंद है। हलवाई पर जाके हलवाई मिठाई क्या भाव है? बाबा जी टके से। वाह वाह बड़ा आनंद है। बच्चा इस नगरी का नाम क्या है? अंधेर नगरी। और यहाँ के राजा का नाम क्या है? अनभुज राजा। वाह वाह अंधेर नगरी अनभुज राजा, टके शेर बाजी टके शेर का जा। तो बाबा जी कुछ लेना हो तो ले ले। बच्चा भिक्षा मांग कर 7 पैसे लाए, उसे 3.5 शेर मिठाई दे दे। क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। भिक्षा मांग कर 7 पैसे लाए, उसे 3.5 शेर मिठाई मोल ली है। बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सभी चीजें टके शेर मिलती है, तो मैंने इसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। बच्चा यह कौन सी नगरी है और इसका कौन राजा है जहाँ टके शेर बाजी टके शेर खाजा मिलता है? अंधेर नगरी अनभुज राजा, टके शेर बाजी टके शेर खाजा। ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं जहाँ टके शेर बाजी और टके शेर खाजा मिलता है। मैं तो अब इस नगर में क्षण भी नहीं रुकूंगा। मैं तो इस नगर को छोड़ कर नहीं जाऊंगा, यहाँ दिन भर मांगो तो नहीं मिलता, मैं तो यहीं रहूंगा। मैं तो जाता हूँ पर इतना कह जाता हूँ कभी कष्ट पड़े तो याद करना। दुहाई महाराज दुहाई। कौन चिल्ला रहा है, बुलाओ तो। महाराज कल्लू बन्नी की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी दब गई। नहीं आयो महाराज, नहीं आयो। कल्लू बन्नी को पकड़ लो, मेरा आदेश है। क्यों रे, क्यों रे कल्लू बन्निया, उसकी बकरी कैसे दब के मर गई? महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई की गिर पड़ी। क्यों रे कारीगर, उसकी दीवार कैसे गिर की मर बकरी मर गई? महाराज मेरा कोई कसूर नहीं, चूने वाले ने ऐसा खराब चूना बनाया की दिवाली गिर गई। कारीगर को छोड़ो, चूने वाले को पकड़ लाओ। क्यों रे चूने वाले, कैसे उसकी दीवार गिर पड़ी? महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, बिस्ती ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया इसीलिए चूना कमजोर हो गया। अच्छा चूने वाले को छोड़ो, बिस्ती को पकड़ लाओ। बोलो महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मसक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। अच्छा इसको छोड़ो, कसाई को पकड़ लाओ। फिर कसाई उसकी बकरी कैसे मर गई? महाराज गड़ेड़िए ने टाके की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची की मसक बड़ी बन गई। अच्छा इसको छोड़ो, गड़ेड़िए को पकड़ लाओ। फिर गड़ेड़िया उसकी बकरी कैसे मर गई? महाराज उधर से कोतवाल की सवारी आई, उसके भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी का ख्याल ही नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। अच्छा गड़ेड़िए को छोड़ो, कोतवाल को पकड़ लाओ। अपनी ऊ निकाली। महाराज मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। अच्छा इसको फांसी पर लटका दो। गुरु जी ने हमको यहाँ रहने को मना किया है, माना कि देश बहुत बुरा है फिर भी खाते पीते मस्त पड़े हैं। चल बे मिठाई का घर खूब मोटा हो गया है, आज मजा मिलेगा तुझे। बात कहाँ से आई जो मुझे बेकसूरी पकड़ते हो? बात ये कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म था, जब उसे फांसी देने को ले गए तो फांसी का बंदा बड़ा निकला, क्योंकि वो कोतवाल साहब दुबले हैं और राजा ने कहा कुछ ही मोटे आदमी को पकड़ लाओ और फांसी दे दो, नहीं तो बकरी मरने के कारण कोई अन्याय नहीं होगा। पर मैं तो अरे मैं नाहत मारा जाता हूँ, अरे यह बड़ा अंधेर है, गुरु जी तुम कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ। अबे चुप रे, राजा को मुख कहीं कहीं टाल सकता है? हाय बाप रे, मुझे बेकसूरी फांसी पर चढ़ा रहे। अबे चल तुझे फांसी अभी चढ़ाएंगी। अच्छा गोवर्धन दास, यह तेरी क्या दशा है? हाय बाप, मैंने तुम्हारा बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की थी, इसीलिए मुझे पछतावा मिल रहा है। कोई चिंता नहीं, सुनो मुझे मेरे ससुर को अंतिम उपदेश देने दो। यह बकरी दीवार में मर गई इसीलिए मुझे फांसी दी जा रही है। एक उपदेश दे रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनो। अच्छा गुरु जी। गोलमाल चल रहा है राजा, इस समय ऐसी जो घड़ी जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। तुम तो मुझे फांसी चढ़ा दो। हम बूढ़े हो चुके, हमको फांसी चढ़ने दो। हम फांसी चढ़ेंगे। तेरी वजह से बकरी मरी, मैं फांसी में चढ़ूंगा। मेरी वजह से दीवार गिरी, मैं फांसी चढ़ूंगा। हम दीवार के बगल में बकरी बांध देते, हम फांसी में चढ़ेंगे। सब लोग चुप रहो, राजा के होते हुए कौन सब जाएगा? मैं जाऊंगा फांसी में चढ़ूंगा। फांसी में चढ़ो, मैं जाऊंगा।
तो क्या नाम था? अंधेर नगरी अंधेर।